बहुत सारे बच्चे इस बात से बड़ा परेशान रहते हैं कि यूपीएससी का सिलेबस इतना बड़ा है, हम इतने सारे सोर्सेज हैं, हम क्या क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, और कई बार बहुत कुछ पढ़ने लगते हैं, बहुत कुछ पढ़ने लगते हैं, उन्हें लगता है जो सोर्स हाथ में आ जाए वही पढ़ लेते हैं, जो किताब मिल जाए, जैसे कि अक्सर अक्सर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है क्लास नोट्स, फिर सम प्रिंटेड नोट्स, सम बुकलेट्स प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट, देन सम स्टैंडर्ड बुक्स, हर सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड बुक्स हैं, फिर जब वो ORN या कहीं मार्केट में घूमते हैं, अपनी रीजनल मार्केट्स में या कहीं पर भी घूमते हैं, तो उन्हें कुछ किताबें मिल जाती हैं, कुछ नोट्स मिल जाते हैं XYZ कोचिंग के या कहीं और के, और फिर उन्हें लगने लगता है कि अरे देखो तो इसमें तो कितने अच्छे से पॉइंट वाइज बताया गया है, कितनी अच्छी पिक्चर्स बनी हुई हैं, तो खरीदने लगते हैं। बहुत सारे इंटरनेट पे ऐसे पोर्टल्स हैं जहाँ पे नोट्स डाउनलोडेबल है, यानी कि वहां पे जाओ सारे जगह के अलग अलग जगह के नोट्स आपको डाउनलोड करने को मिल जाएंगे। प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपने सब जगह से चीजें डाउनलोड कर ली हैं तो आप एक ही टॉपिक चार पांच छह या फिर सात जगह से पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो पहली चीज आपकी पिक्टोग्राफिक मेमोरी नहीं बनती, जो पिक्चर से पिक्चर को देख के एक चीज को बार बार देखने से जो हमारी मेमोरी बनती है वो नहीं बनती। दूसरा कि जब आप मल्टीपल सोर्सेस पढ़ते हो तो आप रिविजन कहाँ से करोगे ये डिसाइड नहीं हो पाता। रिविजन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की टू सक्सेस। अनटिल एंड अनलेस यू रिवाइज समथिंग मेनी टाइम्स, वो चीज को अगर आप MCQ सॉल्व कर रहे हो तब भी अच्छे से नहीं आएगी, अगर आप आंसर लिख रहे हो तब भी आप बहुत अच्छे से नहीं लिख पाओगे, क्योंकि आंसर लिखने के लिए आपको क्लैरिटी चाहिए, बहुत अच्छे से क्लैरिटी चाहिए कि ये मैंने इस तरीके से पॉइंट्स याद होने चाहिए, डेटा याद होना चाहिए, कमीशंस कमिटी सब आपको याद होने चाहिए, तो वो जो रिविजन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे रिविजन को ओवरलुक कर देते हैं, उन्हें लगता है बस पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तो बार 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 कई चीजों को पढ़ते रहते हैं लेकिन उसको रिविजन का प्लान नहीं बनाते हैं। और मैं अक्सर तथास्तु पे भी बच्चों को एक कहानी सुनाती हूँ जब मैं रिवीजन की इम्पोर्टेंस बता रही होती हूँ कि एक बार एक राजा ना एक प्रतियोगिता रखते हैं, वो प्रतियोगिता क्या थी कि वो कहते हैं कि तीन लोगों को चुना गया है, अंत में तीन लोग हैं जिन्हें उन्हें कुछ प्राइज देना है, उन्हें कुछ रिवॉर्ड देना है। वो तीनों लोगों को कहते हैं कि एक काम करो भागो, है ना, सुबह वो बोलते हैं भागो, कहते हैं जितना तुम भाग के शाम को सूरज ढलने से पहले तुम वापस आ गए तो जितनी जमीन तुमने भागी, जितनी तुमने नापी वो तुम्हारी है। अब ऐसी अपॉर्चुनिटी देख के तीनों ही लोग बड़े खुश हो जाते हैं, बड़े बड़े होते हैं कि हाँ बताओ जितनी नाप ली, जितना भाग लिए हम उतना हमारा, हाँ उतना तुम्हारा। तो राजा भी कोई कम तेज थोड़े ना था, राजा भी बहुत चालाक थे, उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने रास्ते के अंदर खूब ढोल मजीरे मेरे लगा दिए तीनों तीनों को जहां से भागना था, तो उसमें से एक व्यक्ति तो ये नाटक मूवीज और ये जो सारी चीजें जो रास्ते में चल रही थी ना, मेला लगा हुआ था, लोग बैठे थे, चाट पकौड़ी लगी हुई थी, वो सब उसके ऊपर बिजी हो गया, वो तो भूल गया कि उसे भागना था, उसे जमीन लेनी थी। एक व्यक्ति तो वहां अटक गया, दूसरा व्यक्ति भागा लेकिन उसके अंदर इतना लालच भर गया कि वो भागता ही चला गया, भागता ही चला गया, भागता ही चला गया, और उसे ये याद ही नहीं रहा कि मुझे लौट कर भी आना है, क्योंकि अगर आप लौट के नहीं आए तो कुछ भी एक इंच भी जमीन नहीं मिलेगी, क्योंकि जितना आपने भाग के वापस आ गए उतनी ही जमीन आपकी है। तीसरा व्यक्ति इस दोनों ही चीजों को समझता था कि आज मेरे फोकस क्या है और मुझे वापस सूरज ढलने से पहले पहुंचना है, तो उसने उसी तरीके से प्लानिंग करी, वो भागा बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना इधर उधर देखे, और जहां उसको रियलाइज हुआ कि अब मुझे यहाँ से लौटना चाहिए तभी मैं सूरज ढलने से पहले पहुंच पाऊंगा, वो वहां से लौटा और सूरज ढलने से पहले पहुंच गया और बहुत बड़ी जमीन का मालिक बन गया, और बाद में राजा ने उसे राजकुमार भी बना दिया। पंचतंत्र की तरीके की कहानी है, छोटे बच्चों को सुनाने की कहानी है, लेकिन इसका मैसेज बहुत बड़ा है। पहला व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट हो गया, यानी कि बहुत सारे बच्चे अलग अलग नोट्स देख के, अलग अलग चीजें देख के, अलग अलग बातें सुन के डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो
समझ ही नहीं पाते कि उन्हें आखिर करना क्या है, कौन से नोट्स पढ़ने हैं, और एक नोट्स पढ़ने हैं उन्हीं को बार बार पढ़ना नहीं कर पाते। दूसरा व्यक्ति क्योंकि स्ट्रैटेजिकली उसने अपनी तैयारी को प्लान नहीं किया है, तो वो सब पढ़े जा रहा है, लेकिन उसके पास कोई प्लान नहीं है कि वो उसे आखिरी में रिवाइज कैसे करेगा, उसे अपने आंसर्स में, उसे अपने एमसीक्यूज के सॉल्यूशन के लिए यूज कैसे करेगा। यानी कि ये दोनों व्यक्ति उस जमाने में भी फेल हो जाते थे, इस जमाने में भी उन्हें परेशानी आती है। सो वी हैव टू बी फर्स्ट वेरी फोकस्ड, सेकंड वी हैव टू बी रियलिस्टिक विद आवर ऑप्शंस, विद आवर मटीरियल दैट वी स्टडी, विद आवर सोर्सेस। इतना मैं पढ़ पाऊंगी, इतना मैं रिवाइज कर पाऊंगी, इतने पे मैं उसको आंसर्स में ऐसे यूज कर पाऊंगी। सो बी ऑब्जेक्टिव एंड रियलिस्टिक। सो रिवाइज वेल, क्रिएट अ प्रॉपर रिविजन शेड्यूल, बिकॉज विदाउट रिविजन देर इज नो यूज ऑफ रीडिंग लॉट ऑफ थिंग्स। स्टे हैप्पी, स्टडी वेल।